हेलो एवरीवन आई एम बैक विद न्यू वीडियो आज का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयस के बारे में है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस कैसे राइट किया जाता है इन लास्ट वीडियो आई हैव अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स वन टू ट्वेंटी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्ले में जाकर उसे देख सकते हैं सो दिस इज निशा चौहान इंड योर वॉचिंग लंगविच वन विच मेक्स योर इजी लर्निंग सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर मोर वीडियोज एंड नोटिफिकेशन सो लेट स्टार्ट द वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आय जब आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइन्स का राइट करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्वायरिंग चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं सपोज एग्जाम्पल हम ले, ले लेते हैं कॉपर का कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा तो सी यू पॉजिटिव सपोज उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं सी यू टू इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो उसके ऊपर चार्ज आएगा सीयू टू पॉजिटिव टू पॉजिटिव सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ किटाइंस नाउ कमन टू एनायंस जब कोई भी एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करता है इलेक्ट्रॉन लेता है एंड उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ क्लोरिन यहाँ पे हमने राइट किया है क्लोरिन का तो क्लोरिन का एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या होगा तो उसका कॉन्फिगरेशन होगा सी एल निगेटिव निगेटिव आए जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो सी एल निगेटिव सो क्लोरिन ने सपोज टू इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं टू गेन किए हैं तो उसके ऊपर टू नेगेटिव चार्जेस बट दिस इज नॉट द केस ऐसा होता नहीं है क्लोरिन पर रेयरली टू पर्सेंट टू नेगेटिव चार्जेस आते हैं सो दिस एग्जाम्पल नाउ कमन टू द कॉपर कॉपर का आपको पता है एटोमिक नंबर ट्वेंटी नाइन होता है एटोमिक नंबर ट्वेंटी नाइन एंड उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो राइट करते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस वन एंड थ्री डी वाई आई हैव रिटर्न दिस फोरेस्ट वन ये ऑलरेडी हम अबॉ प्रिंसिपल में डिस्कस कर चुके हैं आपने वो ये वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि यहां पर फोरेस्ट वन क्यों आया है सो दिस वी विल नॉट डिस्कस हेयर अगेन सो दिस इज द कॉन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर ये कॉपर का कॉन्फिगरेशन है सो नाउ आप कॉपर प्लस आइन का देखते हैं कि कॉपर ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसका कॉन्फिगरेशन आपको पता है कैसा होगा पहले एटोमिक नंबर चेंज हो जाएगा जब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है तो उसका एटोमिक नंबर ट्वेंटी एट हो जाएगा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन अब मैं ये रिपीट नहीं करूंगी इसकी जगह वी विल राइट आर्गन आपको पता है दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ आर्गन सो आईव रिटर्न एस वन थ्री डी टेन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन था सी यू का अब हमें कितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है निकालना है एक इलेक्ट्रॉन तो हम एक इलेक्ट्रॉन कौन से वाले शेर में से निकालेंगे जो सबसे बाहर का सब्शेल होगा तो आपको पता है एस जो है सबसे बाहर का सबशेल है एंड इसीलिए एस में से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं ये थ्री डी टेन में से वो सोचते हैं कि सबसे लास्ट में थ्री डी टेन लिखा जाता है तो थ्री डी टेन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं एंड वहीं पर उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है सो so, इस तरह से नहीं करना है बच्चों सबसे लास्ट वाला आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूवल होता है एंड आपको पता है ये अरेंजमेंट ऐसा है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे अरेंज किया है आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स एंड थ्री डी टेन ऐसा होता है बट बिकॉज ऑफ अब्बॉ प्रिंसिपल फोर एस एनर्जी लेवल कम होता है इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर फेल होते हैं ये टोटली मैंने अबॉव प्रिंसिपल में एक्सप्लेन किया है आप वो मेरा वीडियो देखिए आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि विच वन इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल और कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना चाहिए सो फोर एस वन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इसका कॉन्फिग्रेशन होगा फोर एस जीरो थ्री डी टेन ये इसका करेक्ट कॉन्फिग्रेशन है कॉन्फिगुरेशन ऑफ कॉपर रायर नाउ कॉमन टू एफ एफ ई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन क्या होता है बच्चों ट्वेंटी सिक्स अगेन आई विल नॉट राइट या मैं ए आर डायरेक्ट लिखूंगी ए आर आर्गन का होता है कॉन्फिगुरेशन तो डायरेक्टली आई विल राइट दिस एंड देन फोर एटीन इलेक्ट्रॉन ये हो गए फोर एस में टू ट्वेंटी हो जाएंगे एंड देन थ्री डी में सिक्स इलेक्ट्रॉन सो दिस इज अबाउट एफ ई तो ये एफ ई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है नाउ अब एफ ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं थ्री इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं सो थ्री इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन से वाले ऑर्बिटल में से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो अभी हम यहाँ देखेंगे एफ ई ने थ्री लूज किए हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमिक नंबर क्या हो जाएगा बच्चों ट्वेंटी थ्री सो आई विल राइट ट्वेंटी थ्री यान ए आर आगन एंड देन ये हम पहले हम राइट कर रहे हैं फ का सो फोरेस टू थ्री डी सिक्स अब हमें इलेक्ट्रॉन कितने निकालने हैं बच्चों थ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम उस ऑर्बिटल में से निकालेंगे जो सबसे बाहर ऑर्बिटल होगा सबसे बाहर कौन सा है फोरेस्ट तो फोरेस्ट में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फिर उसके बाद उसके कम एनर्जी लेवल वाले में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हम निकालेंगे फोरेस्ट में से फर्स्ट सो फॉरेस्ट में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाले फॉरेस्ट में टू है आप फॉरेस्ट में से टू इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा फिर जो वन इलेक्ट्रॉन बचा वो कौन से सेप्शन में से निकलेगा थ्री में से सो so, थ्री में से अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने टू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो अब उसमें से हम निकालेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हाउ मेनी आर लेट फाइव सो दिस इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ एफी आई दिस इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ एफ्री प्लस लेट सी एग्जाम्पल ऑफ क्लोरिन क्लोरिन का एटोमिक नंबर इज सेवनटीन सो वॉट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर सेवनटीन हम शॉर्ट में राइट करेंगे एनी एंड थ्री एस टू एंड थ्री पी दिस इज टेन इलेक्ट्रॉन टू ट्वेल्व एंड देन हाउ मेनी आर लेफ्ट फाइव विल गो इन थ्री पी सो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फॉर क्लोरिन अब देखते हैं क्लोरिन आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए उसने एक चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है इट मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब किया है सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ आयन नेगेटिव वाले राइट करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है बिकॉज उसमें ओनली आपको एड करना है और आपको पता है जो भी शेयर एम टी होगा उसमें एड हो जाएगा सो यहां पर 18 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है सो देखते हैं थ्री एस टू ये ऑलरेडी फिल है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे 3p5 आपको पता है 3p5 में एक स्पेस एमटी है सो वहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सो दिस इज थ्री पी सिक्स सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर क्लोरिन सो दिस इज फॉर टुडे सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स थैंक यू